ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक। पीनो गोताखोर साहिबा, ये बताइए कि आप स्विमिंग की प्रैक्टिस कहाँ करती हैं? पिंड दे छप्पड़ च। छप्पड़? हाँ, वाकई वैसे छप्पड़ में करने का एक फायदा ये होता है कि मुख्तलिफ टेस्ट उसमें होते हैं। सही कहते हैं ना, गारे वाला पानी जरा गाढ़ा होता है ना, मोढ़ियां च जान पैंदी। छप्पड़ च जदों मज्जां वड़दियां ने ना, ये भी पिछे वड़ के ते नाल गाना गाउंदी है, आज बिलू है पानी 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 है मेरी कहानी 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 कहानी। और इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, अपने पिंड दे छप्पड़ च टूबी मार दी। अच्छा, ते नाल दे पिंड दे छप्पड़ च बरामद हुंदी। ए की कहता, इस चुल्ले च फूक मार के सिर च सवा पाण वाली है, नाल दे पिंडों बरामद हुंनी आ। मैं मनशियात आ। मरे तू मनशियात नालों भी ज्यादा खतरनाक है। और वैसे भी एक बात तो बताओ कि स्विमिंग आजकल होती कहाँ है? पाकिस्तान में पानी वैसे ही कम है। मैं यही तो तुम कह रही है कि नहरा खुश्क हुई है पई ने, सूए बंद होए पे ने, ट्यूबवैल च पानी उंज नहीं आउंदा। ए तुसी रावी देखो, पहला मिट्टी रंग दी हुंदी सी, हुण अजकल काले रंग दी होई। बिल्कुल। तू किसी दिन रावी च स्विमिंग करेंगी ना, तो जो तू बाहर निकलना तेरे मुंह चो गेंद निकलना। अब भाई ये बात बताइए, पहला चांस हासिल करने के लिए आपको कोई पापड़ बेलने पड़े, या आबिद कश्मीरी बहुत ही लकी था फौरन पहला चांस मिल गया उसको? पहला चांस तो स्टेज पे ही था। अच्छा, तो अल्लाह बख्शे, जमील बिस्मिल साहब एक हुआ करते थे, तो किसी ने मुझे उनके पास छोड़ दिया। वो कौन था? किसी मुझे नहीं याद कौन था। उसी मस्त तो जेड़ा मर्जी फड़ के ले जांदा सी। ओए अजे ते मैं शुरू ही नहीं कीता ते मस्त कित्थे हो गया? अजे ते स्टार्ट हो पूछ रहे ने। और वैसे भी भाईजान, जब तक चांस नहीं मिलता इंसान मस्ती होता है। मस्ती होता है। हम भी को 8 साल मस्ती रहे थे। तुसी तो अजे भी मस्ती हो। स्विमिंग तो पहला ये भी मस्ती हुंदी सी बेचारी। अच्छा, ए ते फिर तत्ते पानी च सुटिया ते तरन लग पई। अच्छा, मैं गल करा कि तू करेंगी? जी करें। अच्छा बाजी, आप बता रहे थे कि कोई आपको यार छड़ के आए ना, जमील साहब ने कहा कि ना तुम बच्चा लगना ना बड़ा लगना ना तेरी शक्ल हीरो वाली ना नौकर वाली, तेनू की पार्ट दे। मैं कहा जी नौकर दा पार्ट दे दो, सुने उहदे च बड़े कॉमेडी होंदी है। अच्छा जी। उन्होंने मैनू बड़े कालकां कूलकां ला के मुँह ते तवा तुवा मेरे ते मार के ते नौकर बनाता। वो नौकर मैं कीता ते उहदे च मैं हिट हो गया। तो उदों गल्लां होंदियां ना लिखियां ही आ। मैनू अफशां कुरैशी कहिंदे ने, मैनू मुसवा कुरैशी कहिंदे ने, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇ ਤੋਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਬਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੰਜੇ, ਤੂੰ ਫੱਪੇ ਕੁੱਟਣੇ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੱਚਾ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੜਿਆ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਪਰੇ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਸੜਿਆ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਸਮੋਸਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਸਾ ਵਾ ਸਮੋਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। अच्छा भाजी, आपकी पहली फिल्म थी सालासा। yes. और बहुत हैवी कास्ट थी। yes. लेकिन आपको तो बहुत जोर लगाना पड़ा होगा उनके सामने अपना आप बनवाने के लिए, प्रोमिनेंट होने के लिए। नहीं, जोर तो लगाना पड़ता ही है। अच्छा, ऐवें तो नहीं बंदा हिट होंदा। हाँ, लेकिन जो रोल ऐसा सी। क्या रोल था सर आपका? मेरा रोल सी कि अंजुमन निकोल कर उस्ताद है। अच्छा भाजी, अगर आपको कहते कि हिरन को उठा के भाग जाओ, उठा लेनी थी? नहीं, वो कथे चुकी जानी थी, अंजुमन चुकी जानी। कुछ नहीं है तेरे को? नहीं। अच्छा, अंजुमन मैं चुक सकता। लेकिन लेकिन अगर भाजी अंजुमन को उठाते तो यकीनन नजर नहीं आते। नजर नहीं आते ये, अगर अंजुमन को उठाते तो आप इन्होंने उठने जोगे नहीं सी। तो मैं भी यही कह रहे हैं। नहीं तो ओदे विच जुगतबादी ऐसी सी। अच्छा, उस्ताद दे जो मौला पाक जो है करदे ने। ओदे बाद फिर मैनूं नहीं पता, फिर ओदे बाद मेरी फिल्म आई दूसरी दहलीज। भाजी कुछ अगर कैलकुलेट करें, कुछ याद है आज तक आपने कितनी फिल्में कितनी ड्रामे किए? मैंने फिल्में कोई 200 से ज्यादा की हुई है। अच्छा, 230-240। फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म जो आपकी अपनी, बाजारे हुसन। बाजारे हुसन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जावेद फाजल। और आप लोगों को पता है कि पाजी जो हैं वो फिल्म स्टार रीमा के अगेंस्ट भी हीरो आ चुके हैं। और रीमा के साथ गाने किए हैं इन्होंने, गाने किए हैं, गाना करते सारे। उस फिल्म में पाजी को सिर्फ एक चीज याद है कि रीमा को उन्होंने गले लगाया। एनियर अटेक हुई है ना,
तो डांस डायरेक्टर कह रहा कि कश्मीरी साहब जिले दुनिया की सबसे महंगी जफ्फी है 60 लाख रुपए की। हाँ जी हाँ जी, तुसी ये देखो ना कि रीमा गाना जो करती थी ना सिर्फ रीमा करती थी। अच्छा कश्मीरी साहब तो साइड पे खड़े रहते थे। जैदर से सुना थे तू तो सिर्फ देखे ही ना गया रीमा। हाँ जी मैं गया रीमा। भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा, हमने तो रीमा को इतने डिस्टेंस से देखा है। कह रहा तो मैं तो दसिया नहीं, ऐसी सिर्फ देखे, तुसी तो नाल रोंदे भी रहे। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा साहब डांस डायरेक्टर कह रहा है गाना खत्म होगा तो आपने उनको गले लगा के तो एक चक्कर लेना है। लो जी एक कोई 48 रिटेकां हो गई है। ना ही फड़िया जाए ना चक्कर लिता जाए। ढेडा जल्दा सी यार तुम अगले दा पंच लाइन ही बर्बाद करो। डांस डायरेक्टर ने कहा रीमा बेगम वो तो चलो पहली दफा हीरो आ रहे थे देख के डर गए ने, तुसी आप ही फड़ लो उन्होंने। कहती मैं तो कोशिश कर रही हूँ पर बिच टेढ़ा आ जाता। मेरा पेट बहुत बड़ा था उन दिनों। हाय कश्मीरी साहब, क्या मैं तो अपने दिल की बात कहूँ, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो मेरे हाथों में ये बॉक्सिंग के ग्लव्स ना होते, आपके नाम की हाथों पे मेहंदी होती। ना मेहंदी ना होती, इनके नाम की हथकड़ी होती और पर्चे में मुदई आबद साहब होते। तू हिम्मत ना हार, जे आबद कश्मीरी साहब निकल गए ने तो फिर की होया, आबद पेंचर आला हजे भी तेरी डीक च बैठा है। अच्छा निधा ये बताइए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? इंशाल्लाह साफ गेम्स हमारा पाकिस्तान में इंशाल्लाह होस्ट होगा, तो अगर उसमें से हिस्सा मैं लूंगी दैट बी ग्रेट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और अक्सर देखा है कि साफ गेम्स में आपका ओपोनेंट पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में या सेमीफाइनल में एक ही कंट्री के स्पोर्ट्स वुमेन से या मेन से होता है और उसका नाम है इंडिया। तो क्या आप स्पोर्ट्समैन से बात पूछिए कि जब इंडिया के साथ कोई भी मैच होता है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एक एक्स्ट्रा मुकाबला आता है, क्या आपको भी यही फील आती है? आई एम श्योर दिल में तो ये बात होगी, बट ऑब्वियसली जो खेल है आपने स्पोर्ट्समैन की तरह लेके चलना और आपने इज्जत देना अपने अपोनेंट को, जहाँ मर्जी वो इंडिया से हो या कनाडा से हो या जहाँ। आपका आज तक कभी किसी इंडियन से मुकाबला हुआ? नहीं। आप क्या कहेंगे कि लड़कियों के लिए, बॉसी लड़कियाँ या इस वक्त ऑडियंस में भी मौजूद हैं, क्या बॉक्सिंग में कोई स्कोप है लड़कियों का पाकिस्तान में? बिल्कुल, अगर सही कोचेज मिले, उनको सही न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अपना तवज्जो दें तो ज़रूर। मेरा ख्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिवाय क्रिकेट के तकरीबन जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो जो भी चाहे मेल खेलें या फीमेल खेलें, एक गिला सबको है कि अच्छे कोचेस और अच्छी एनवायरनमेंट क्रिकेट के सिवा किसी गेम में पाकिस्तान में नहीं है, जो कि बहुत ही जो है ना गलत बात है। आप भी इसको सेकंड करती है मेरी बात को? आई वुड एग्री। अच्छा क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, अगर आप 1, 2, 3 बताएं? मुझे लगता है कि इधर प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है और कोचेस का कमी है, इनकी जो क्वालिफिकेशंस है और होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट्स के बगैर आप किसी स्पोर्ट को आगे नहीं कर सकते हैं। निधा मेरा भी एक छोटा सा सवाल था इसी बारे में कि माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं और आप इतनी फिट हैं, तो ये जब जो भी आपने प्रोसेस शुरू किया था इसकी मोटिवेशन कैसे आई थी, किससे मिली? देखिए मुझे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे हो, बट मुझे ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने आप को टेक केयर भी करना ताकि मुझे एनर्जी मिल जाए अपने बच्चों को भी मोटिवेशन देने के लिए और उनको हैंडल भी करना, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चों को काफ़ी आपको एनर्जी चाहिए उनको। हाँ मुझे देखो मेरे 7 बच्चे हैं। हाँ जी मेरे 7 बच्चे हैं, मैं फिर भी बॉक्सिंग करता हूँ। कुकड़ी से निकले होने।